पूरा देश अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान है। इसी बीच गरीबों को काफ़ी खाने की समस्या हो रही है। जब प्रगति मीडिया टीम ने गरीबों से जाना कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, तो उन्होंने बताया कि हम प्रशासन के पास पहुंचे हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं मिल रही है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। महीने हो गए हैं और काम काज कैसे थे? काम काज कुछ नहीं, रोज के कमाते हैं, रोज के खाते हैं हम लोग। और हमारे लोगों के पास पैसे भी नहीं है ना कुछ है, तो हम लोग को कोई चीज़ की मदद मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम कहाँ से पालें? या तो कोई गाड़ी घोड़ा चलता तो वो अपने घर भग जाते। यही प्रॉब्लम के चक्कर में पड़े हैं, क्या करें? आप इस प्रॉब्लम के चक्कर में आपकी समस्या लेके अपने पार्षद या एमसी के पास गए थे? एमसी के पास गए थे, दो तीन बार गए, तो एमसी ने बोले कि हमारे आदमी हैं, हम भेज देंगे। वो भेजे भी नहीं, ना कोई आया। हम लोग, हमारे बच्चे भी भूखे मर रहे, छोटा बच्चा है, दूध पीता था, वो भी छोड़ दिया। नहीं है पैसे, कहाँ से हम क्या खर्चा क्या करें? अगर गाड़ी चलती तो हम अपने घर भग जाते। एमसी के पास गए थे तो वो बोले कि आपका आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, किसको वोट देते हो? तो इसीलिए हम क्या बोले, हम तो परदेशी आदमी कहाँ से, हम लोग क्या कैसे बोल सकते। दिनों में आपके राशन पानी का कैसे चल रहा है? राशन पानी सर ऐसा है कि हमारा नहीं चल रहा है। सरस्वती मंदिर के पास में दो लड़के रह रहे हैं, वही हमें लेके जाते हैं, राशन दे जाते हैं, वही हम लोग खाते हैं। आज हमारे पास गैस सिलेंडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कैसे गुजारा करें? लोग लॉकडाउन हुए इतनी देर हो गई है, तो आपको अभी तक और किसी संस्था से आया कोई नहीं आया? हमारे पास कोई नहीं आया, वही सरस्वती मंदिर के लड़के ही आ रहे हैं। वही सरस्वती मंदिर से लड़के आ रहे हैं, वही दे रहे हैं हम, और कोई हमारा सुनता नहीं है ना, कोई हम किसी को जानते भी नहीं। एमएलए के पास गए थे आप? एमएलए के पास फोन से बात हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने? तो बोले कि हम आपका करवा देंगे, इधर से कंफर्म करवा देंगे, हो जाएगा व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था हुआ नहीं, कोई नहीं सुना। नहीं तो प्रशासन वालों सहायता मिल रही है जी, राशन वगैरह दी? नहीं कोई नहीं मिलेगी, 15-20 दिन होने पर चक्कर लाते हैं, कोई अज कल दे करते रहते हैं, कितों नहीं मिले। एमसी नु नाम लिखा चुके हो तुसी अपना? नाम बोलते लिखे दे हैं, नाम नूम साढ़े को लिखाया नहीं, उन्होंने सिर्फ यही कहते लिखे थे तुहाडा नाम। उन्होंने कोई बंदा नहीं घर आया? नहीं कोई नहीं है। और राशन कार्ड बने हुआ है अपना? राशन कार्ड बने भी कट छेड़े, वो भी कटिया गया? हाँ जी। सर जद मैनू घट तो घट 1.5 साल होया, घर एक्सीडेंट हो थे, मेरा लड़का बड़ा, वो भी कोई 4-5 महीने होया, वह भी एक्सीडेंट होया ही, वह भी घर ही है। तो जो लॉकडाउन हो ना ही साढ़े घर कोई पुछन वास्ते आया कि राशन किस पासों सहायता नहीं, ना कोई एमसी आया, ना कोई होर प्रधान प्रधुन कोई आया। साढ़ा इस वक्त इदा बुरा हाल है कि अस पैसों अन्न तो तरसते हैं, रोटी पानी तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा साढ़ा, ना ही सानू कहने सहायता है। एमसी एक बार भी नहीं पूछन आया, ना ही उन्हें गेड़ा लाया महल्ले च। अही खुद मेरी मिसिज गई ओर को, पर उन्होंने भी लारे बुरे ला के भेज दिए, कोई सानू सहायता होता कुछ ना ही, साढ़ा कोई राशन कार्ड है, सरकार वालों कई सहूलत मिलती हैं, ना कोई सानू कोई कणक मिलती है, ना कोई आटा मिलता। इतने हर बंदे का सो कारण राशन कार्ड बने, अज 2-3 बार अप्लाई भी कर बैठे हैं, कोई सुनता ही नहीं, सुनता ही कोई नहीं, साडा कट काट देंदे काट क्या है सानू। तो राशन कार्ड साडी गली च तो कोई चक्कर लाण भी नहीं आया सानू, ना कुछ मिलया हैगा। राशन कार्ड हैगा अपना? साडा राशन कार्ड है ही, पर वो भी कट छड्या इस बारी इन्होंने। एमसी को गए दो बार दी? हां गई ही। नाम लिखाया अपना? हां क्या क्या ही, उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब लोगों के घर जानिया चाहिए पहुंचिया, लिस्ट के अकॉर्डिंग दो लिस्टा बना के आप भेजिया इस वार्ड दिस्ट के अकॉर्डिंगली जिहड़ा राशन लोगों के घर पहुंचना चाहिए सी नहीं पहुंचिया। उहदे नाल ही एक 27 कार्ड जिहड़े राशन कार्ड एक सेम डिपू दे कटे गए सीगे, उहनां नूं बेचारियां नूं ना राशन मिलिया ते ना उहनां नूं कणक मिली है। मेरी बस इही बेनती है कि एक सर्वे जिहड़ा इस वार्ड दे विच करा के जिहड़े जिहड़े लोकां दे बेचारियां नूं राशन नहीं मिलिया, उहनां नूं नीडी लोक है, उहनां नूं राशन मिलना चाहिए, बस मैं इही कहना चाहुंदा।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਰਾਈ ਮਹੱਲਾ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਮ ਸੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਰਾਈ ਮਹੱਲਾ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਅਵਲ ਜਿਹਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਲੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟੋਏ ਹੋਏ ਗਏ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਐਮਸੀ ਸੋਚੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ? ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਤਵਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ।